नमस्कार, मैं हूं रंजीत और लेकर आ रहा हूं आपके लिए किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी। सबसे पहली सीरीज किस्से कासगंज के। यहां गंगा के दो रूप हैं, एक जीवंत है, एक इतिहास स्वरूप है। यहां गंगा की धार है, सतयुग का सार है, कण कण में विष्णु भगवान है क्योंकि वराह अवतार है, तुलसी और द्रोण का तप है, कपिल मुनि का जप है, भागीरथ की तपस्या है और मार्कंडे का वास है। यहाँ इंद्र के घोड़े की कहानी है, उर्दू और हिंदी दोनों ही वाणी है, खुशरो की ख्वाहिश है, शायरी की पैदाइश है, भृगु का आश्रम है, द्रुपद की राजधानी है, पाटलावती की शक्ति है, पटियाली की कहानी है, यहाँ का सुनहरा पौराणिक इतिहास है। ये कासगंज है, इसमें सृष्टि का आरंभ है और मार्कंडे की चिरंजीविता का वास है। यहाँ महामृत्युंजय की कल्पना है, यहाँ मृत्यु पर विजय की साधना है, महामृत्युंजय मंत्र इसी धरा की तो रचना है, यहाँ सब कुछ तो अपना है। तो कासगंज के इतिहास से रूबरू कराऊंगा मैं खुद यानी रंजीत। देखिए किस्से कहानी रंजीत की जुबानी एपीसी न्यूज पर। संजय प्लेस स्थित मेट्रो होटल में क्षेत्रीय व्यापारियों और नागरिकों ने बैठक करके संजय प्लेस पार्किंग का समर्थन किया। उन्होंने इस मौके पर पोस्टर का विमोचन करते हुए संजय प्लेस पार्किंग को सही फैसला बताया और आगरा प्रशासन का धन्यवाद भी दिया। व्यापारियों का कहना था कि संजय प्लेस में वाहन चोरी रोकने, वाहनों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करने और निकालने आदि के लिए पार्किंग व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, यह पूर्णतया वैध है। इसके अंतर्गत संजय प्लेस के निवासियों और व्यापारियों से कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता। यही नहीं, प्रशासन द्वारा कार के लिए 50 रुपए और स्कूटर के लिए 20 रुपए पार्किंग शुल्क निर्धारित किया गया है, फिर भी पार्किंग ठेकेदार कार के लिए 30 और स्कूटर के लिए 10 रुपए मात्र ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्किंग ठेकेदार भी अपना ही व्यापारी भाई है, वह पूरी लगन और मेहनत से अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, उसका विरोध करना अनुचित है। व्यापारियों के आमंत्रण पर बैठक में आए भाजपा पार्षद अमित ग्वाला और पार्षद दीपक अग्रवाल ने व्यापारियों से संजय प्लेस पार्किंग का विरोध न करने की अपील करते हुए कहा कि वे व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो या फिर ऐसी कोई व्यवस्था का विकल्प बनाया जाए जिससे यहाँ पर जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो रोड जाम लगता है, जो किसी भी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस की जिम्मेदारी है क्या? आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसमें उसकी मदद करे जिससे पुलिस दूसरे सही कामों में लग सके? बस इतना कहना। और क्या कहना चाहते हैं सर? मुझे लगता है मीडिया को दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। जैसे मैंने ठेकेदार से बात की, ठेकेदार से बात करने पर पता चला कि उसका जो ठेका है वो वैध है, नगर निगम ने उसे अलॉट किया है, नगर निगम ने पहले विज्ञप्ति दी है, किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है तो उस पर दाखिल करें। उस टाइम पर ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि नगर निगम ने ठेका सही उठाया है, इसके पास वैध डॉक्यूमेंट है। 7 महीने से किसी व्यापारी को काम नहीं करने दिया जा रहा है व्यापारी द्वारा ही, तो उस व्यापारी की भी व्यथा सुननी चाहिए आप लोगों को। संजय प्लेस में पार्किंग का टेंडर हमारी फर्म पर हुआ था। क्या नाम है? उसके संबंध में अंकुश अग्रवाल, फर्म का श्यामा श्याम इंफ्रा डेवलप प्राइवेट लिमिटेड। जी बताइए, अब क्या कहना है? यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, कुछ व्यापारी लोग तो जो हैं ही, तो क्या वो अवैध वसूली से पहले करवा रहे टेंडर से होने से पहले? निगम ने अखबार में विज्ञप्ति भी निकलवाई थी इनके के संजय प्लेस में हम पार्किंग ठेका उठा रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? उस समय इन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इससे पहले। तो आज ये लोग सब लोग इकट्ठे होकर हम लोगों को गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, चोर कहते हैं, ढाईगरा कहते हैं, गाली देते हैं हम लोगों को, हमारे लोगों से बदतमीजी करते हैं, मारपीट कर देते हैं। तो ये इसलिए आए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। जिस तरीके से टेंडर आप लोगों को मिल गया उसका ये लोग कह रहे हैं, तो आपने हमने निवारक जी को भैया लेटर बना के कल भी देखा हूँ मैं, एक लेटर कल की तारीख में 17 तारीख को लेटर दिया मैंने उनको बना के, इन लोगों ने हमारे लोगों से कल भी मारपीट करी है। अगर आपके अंदर है टैलेंट, अगर आप खुद को कैमरे पर कर सकते हैं साबित, तो हम दे रहे हैं आपको मौका एंकर बनने का। अगर आपकी हिंदी पर है पकड़, बोलने और लिखने में है हिंदी में बेहतर, तो मोबाइल उठाइए, एक वीडियो शूट कीजिए किसी भी एक टॉपिक पर, 1 मिनट से 1.5 मिनट तक वो वीडियो शूट कीजिए और हमें भेजिए। आपके हुनर को हम नहीं, ऑडियंस आंकेगी, लोग बताएंगे आपकी प्रतिभा में कितना है दम। अगर व्यूअर्स का आपको मिलेगा समर्थन तो मौका देंगे हम।
व्हाट्सएप करिए अपना वीडियो 7088889777 पर और ईमेल कीजिए agendapost17@gmail.com पर।